दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे आज़ाद परिंदा ब्लॉग में। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं, देख सकते हैं सुबह का 7:15 बज चुका है। सुबह उठे, झाड़ू पोछा किए, चल रहे हैं चाय बनाने। चाय बनाएंगे, इधर देखिए झाड़ू लगाकर वहाँ कूड़ा आग लगा दिए हैं, जल गया है। यहाँ पर देखिए मेरी दुकान भी खुल गई है, यहाँ पर देखिए दुकान भी खुल गई है। और यहाँ पे देखिए हम चल रहे हैं खाना में, आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या बनाएंगे, आज खाना बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आया है फल का सब्जी, रखा गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे है बैंगन, इस बैंगन का हम बनाएंगे कलौजी, इसका कलौजी बनाएंगे। करेला आया है तो यहाँ पे करेला भी दिखाते हैं, करेला का भुजिया बनाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखिए सोया पालक आया है, इसका दाल में डालेंगे, जो बचेगा सब्जी भी बनाएंगे। आप लोग को दिखाएंगे हमारे घर पे आज खाना क्या बनेगा। आज मेरे हस्बैंड जी भी घर पे हैं, छुट्टी नहीं है, लेकिन बच्चों का स्कूल है, पेपर हो रहा है, एक दिन पेपर हो रहा है, एक दिन नहीं हो रहा है, बंद है। देखिए सारा कपड़ा कल का हम लोग डाले हैं, अनुज का है, कचार उचार के डाला था तो सूख रहा था, नहीं सूखा तो रात में नहीं उठाया है, रात में पूरा पड़ा है, और सुबह में धूप होगा तो शाम को उठाया जाएगा। और हम चल रहे हैं आज चाय बनाएंगे, अभी रखेंगे पानी होने के लिए। इधर चल रहे हैं, आप लोग को हम दिखाते हैं। अभी अनुज तो सोया है, अभी तक नहीं उठा है, इसका दरवाज़ा है बंद, नहीं उठा है। देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं चाय का बर्तन, तो इसमें बनाएंगे चाय। इसको थोड़ा सा हम धो लेते हैं। देखिए और आप लोग भी सब लोग सुबह में उठ करके तो चाय बना ही रहेंगे। सुबह में उठते हैं तो पहले हम आप लोग से अपना रूटीन बताते हैं। सुबह में उठे, बाइबिल लिए, पढ़े बाइबिल को, इसके बाद में प्रार्थना किए, प्रार्थना वार्थना कर। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे चाय बन चुका है, अब चाय को छानेंगे, फिर गैस को बंद कर देते हैं यहाँ से। देखिए चाय को हम छान लेते हैं, यहाँ पे देखिए चाय को छान लेते हैं इधर। दोस्त लोग गिलास में चाय छानते हैं, कप है, लेकिन तो अभी रखने वाला सिस्टम उपुर नहीं, किचन नहीं है ना, तो इसीलिए हम लोग गिलासे में चाय पी के काम चला लेते हैं। बर्तन सारा निकाल के बाहर रख देंगे, पूरा फैल जाएगा, कहाँ रखेंगे। स्टैंड भी रख दिया गया है बाहर उधर कोने में, इसीलिए सब कप वप रखा गया है अंदर। आप लोग सोचेंगे कि मैं इतनी बड़ी बड़ी गिलासी में चाय छान के देती हूँ, तो आप लोग से बताना चाहते हैं कि कप है, लेकिन तो कप रख दिए हैं अंदर, इसलिए कि स्टैंड निकाल के बाहर रख गया है। और किचन नहीं बना है, तो किचन जब बन जाएगा, स्टैंड सेट हो जाएगा, किचन भी बन जाएगा, तो उसमें रखने का सारा व्यवस्था हो जाएगा, तब हम वो निकालेंगे चाय का कप। इसीलिए गिलास में चाय बनाते हैं, देते हैं गिलास में, मतलब चाय देते हैं, काम चलाते हैं। अभी सारा बर्तन इधर उधर हो जाएगा, इसीलिए चाय हम जाते हैं देने के लिए। देखिए अनुज यहाँ पे उठ चुका है, सुबह सुबह सो के अभी उठा है, देख सकते हैं। चाय लेके चल रहे हैं दुकान में, चाय हम दे रहे हैं हस्बैंड जी को, लीजिए चाय। देखिए यहाँ पे है, देखिए हम चाय दे दिए हैं, सुबह आ गई है दुकान में। सुबह वो चाय नहीं पीती है, वो चाय कहती है पीने से हम लाल चाय बनाते हैं, गुड़ का चाय बनाते हैं। दोस्त लोग आप लोग मत सोचिएगा कि दूध का चाय नहीं पीते हैं, दूध भी नहीं खाते हैं, दूध घी नहीं खाते हैं, इसीलिए दूध एंड तक। और आगे खाना वाना बनाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे जरूर क्या क्या खाना में बनेगा, आप लोग से बताए थे और बनाएंगे तो आप लोग को जरूर दिखाएंगे, और हमारे ब्लॉग में बने रहते हैं। दोस्त यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं, आगे हैं खाना बनाने के लिए। हम चावल भी चढ़ा दिए हैं, यहाँ देखिए चावल भी डाल दिए हैं, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल में साग को बनाएंगे, पहले साग बनाएंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे
करेला भी काट लिए हैं, साग भी काट लिए हैं, यहाँ बैंगन भी काट लिए हैं। बैंगन काट के इसमें मसाला भरना है कलौजी का, और प्याज लहसुन का तड़का भी काट लिए हैं साग के लिए। देखिए करेला बनाते हैं कि नहीं, बनाएंगे तो जरूर आप लोग को दिखाएंगे, इसलिए कि ज़्यादा हो जाएगा, दाल भी हो जाएगा, साग भी हो जाएगा, करेला भी हो जाएगा, कलौजी हो जाएगा, इतना सारा चीज़ बन जाएगा तो खाने में उतना खा नहीं पाएंगे लोग। तो इसीलिए देखते हैं करेला बनाते हैं कि नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी करेला बनाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे अंत तक, और आप लोग हमारे वीडियो में लाइव कमेंट जरूर करिएगा, बने रहिए। देख सकते हैं यहाँ पे सब दिए हैं, तड़का हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पालक को, डाल देते हैं पालक को डाल देंगे यहाँ पे, इसको फिर डाल देते हैं। इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, नमक बहुत खाते आ रहा है हमारा बन रहा है, इसलिए देखिए इसमें अब नमक डाल के हम ढक देंगे साग को, तो बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी हो गया है, करेला की भुजिया थोड़ा सा बनाए हैं, बाकी रख दिए हैं, शाम को बनाएंगे। यहाँ पे खाना हमारा बन के लगभग रेडी हो गया है, करेला सिर्फ बन रहा है। इसके बाद में देखिए दाल कितना अच्छे से बनाए हैं, साग दाल भी बनाए हैं, दाल भी बन गया। यहाँ पे देखिए मेरा कलौजी भी बन के रेडी है, एक कलौजी बना दिए, रोटी भी बना लिए हैं, रोटी भी बन गया है। देखिए यहाँ पे साग भी बना लिए हैं पालक का, टमाटर डाल के सारा खाना बन के रेडी हो गया है। अब सब लोग खाना खाएंगे नहा नहा के, जिसको जैसे खाना है। मेरा खाना तैयार हो गया है, देखिए यहाँ पे बेसन भी बच गया है, तो इसको शाम को कुछ बनाएंगे अलग से, तो इसको ख़त्म करेंगे। देखिए मेरा खाना वाना बन के रेडी हो गया है, सब लोग खाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ढेर सारा भर भर के प्यार दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा, बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू सब लोग के लिए।